आप क्या करेंगे? मैं उसको यही बोलूंगा, आप अपने बारे में बताइए। क्या मैं समझा? यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल चुका है, आप किस तरह से गाड़ी चलाओगे? आराम से चलाऊंगा, जैसे मैं पहले से सीखी है, आराम से, कोई रश नहीं, जैसे नॉर्मल चलाते हैं। कैसा आपका तजुर्बा रहा? तजर्बा हमारा ठीक ही था, लेकिन मिस्टेक हो गई थोड़ी, ग्राउंड की वजह से भी और अपनी वजह से भी, मतलब 50-50 करके दोनों मिस्टेक हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शोम चैनल, मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त अकरमाबाद ट्रक टर्मिनल के अंदर हूँ और हमारे साथ इस वक्त न्यूली अपॉइंटेड ARTO डोडा मोहतरम हमारे साथ जुड़े हैं और आप तक पूरी जानकारी इन्हीं से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दो या तीन दिन ज्वाइनिंग के बाद ही एक बड़ा इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के इन्होंने लिया, जिसकी 27 डोडा के वो सभी लोग कर रहे हैं जो भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपना स्लॉट बुक कर रहे थे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है डोडा में। थैंक यू सर। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ से भद्रवाह में ट्राई वगैरह के लिए जाते थे और काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना था कि वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती थी, किसी को तेल का खर्चा ज़्यादा पड़ता था, किसी को गाड़ी खुद की नहीं होती थी और बाकी सारे मसाइल भी थे, लेकिन यहाँ पे आपने जो इनिशिएटिव लिया है किस तरह से लिया और क्या सोच के लिया? नहीं, वहाँ पे एक्चुअली दूर था, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग जो सुनने में आता है कि ठाठरी गंदोह वाली साइड से आते थे, उनको बड़ा दूर पड़ता था वहाँ के लिए। तो इसमें जब मैंने परसों ज्वाइन किया तो DG साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और DG साहब ने इमीडिएटली बोला कि अगर पॉसिबल, अगर हो सकता है तो वहाँ पे देखो और अगर होता है तो वहाँ पे ट्रायल का कंडक्ट करो। फिर मैं कल यहाँ पे आया था, जो थोड़ा बहुत था तो उसको लेवलिंग लूवलिंग की है, इनफैक्ट रात को बारिश हुई है जिसके कारण ये थोड़ा सा हो गया है, लेकिन एक दो बार जब हम ट्रायल जहाँ पे करेंगे तो मुझे लगता है ये सेटअप हो जाएगा यहाँ पे और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रायल करेंगे ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। इसमें सारा मैं आई एम थैंकफुल टू डिप्टी कमिश्नर सर, जिन्होंने ये लैंड हमें प्रोवाइड की है, उन्होंने कहा जब तक हो सकता है करो, और इसमें अगर कोशिश होगी तो उसमें ब्लैक टॉपिंग का भी इसमें अगर कोई प्रोविज़न होगा वो भी करवाएंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो लोगों को। सर, काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये भी कहा कि यहाँ पे ARTO के जो भी मुख्तलिफ तरीके के उमूर जो होते हैं तो यहाँ पे फिटनेस वगैरह के प्रोग्राम के हवाले से भी रखा गया है, तो किस तरीके से यहाँ पे आप फिटनेस भी मिलेगी? नहीं, फिटनेस का कल हमने किया था, एक ट्रायल किया था, लेकिन कुछ थोड़ा उसमें लूप होल्स लग रहे हैं क्योंकि उसमें जामिंग लग रही है। यहाँ पे आपको पता ही है रोड्स बड़े नैरो हैं, गाड़ियाँ ऑलरेडी रोड पे होती हैं, बस अड्डे यहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसके कारण किया था, लेकिन मुझे लगता है वो सक्सेसफुल नहीं है। इसमें कोशिश करेंगे जहाँ पे फिटनेस होती थी हम वहीं पे करेंगे और ट्रायल हम यहीं पे कंडक्ट करेंगे। सर, किस किस तरीके के उमूर अब आप आगे इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे, क्या उम्मीदें लगाएं लोग? देखो, जैसे कि आपको पता है कि सारा जो सिस्टम है ऑनलाइन है यहाँ पे, तो ट्रायल के लिए और फिटनेस के लिए हमारे पास आना पड़ता है, तो जो रूटीन में जैसे चल रहा था हम कोशिश करेंगे उसको और आगे लेने का ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसमें, और जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की है जो डिपार्टमेंट जिन लोगों के लिए है, ड्राइवर्स ऑपरेटर्स के लिए है, तो हम उसकी फैसिलिटी को पूरा प्रोवाइड करें। लिया ट्रक टर्मिनल के पास ही इन्होंने ड्राइविंग स्लॉट के हवाले से जो ट्राई वगैरह के लिए लोग आते थे, चाहे वो गाड़ी की थी, लाइट मोटर व्हीकल था या मोटरसाइकिल विद गियर वगैरह था, तो उन तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने अब डोडा के लोगों के लिए एक राहत का सामान बनाया। साथ ही में यहाँ पे ARTO से जुड़े काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो यहाँ पे एक दफ्तर भी रहेगा जिसमें फिटनेस वगैरह के हवाले से भी इन्होंने ये चीज़ें करनी है। तो अब देखना यही है कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से डोडा के लोगों को ड्राइविंग के हवाले से सहूलत दस्तियाब होंगी, कबलज वक्त कहना मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से पहले ही आते ही इन्होंने इस तरीके का बड़ा इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ लिया है, आप खुद समझ सकते हैं कि ARTO डोडा किस तरीके से ताबनाकी के साथ जिला डोडा के अंदर मुख्तलिफ उमूर में ताबनाकी ला सकते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं इनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, इन लोगों को ये सारे इनिशिएटिव्स कैसे लगते हैं जो ट्राई हो रही थी डोडा यहाँ पे? आज पहली बार ट्राई हो रही थी, तो थोड़ा मौसम की वजह से यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड था उसमें स्लिप भी बड़ा था और कुछ कमियाँ हम में भी थी जिनकी वजह से हम ट्राई पास नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट के लिए हम इंशाल्लाह अब फुल तैयारी से आएंगे और ट्राई पास करेंगे। ये आपकी पहली बार ट्राई थी, इससे पहले आप भद्रवाह? ना, पहली बार ट्राई थी। कैसा आपका तजुर्बा रहा? तजर्बा हमारा ठीक ही था, लेकिन मिस्टेक हो गई थोड़ी, ग्राउंड की वजह से भी और अपनी वजह से भी, मतलब 50-50 करके दोनों मिस्टेक हैं यहाँ पे। जो डोडा के अंदर ही अब ट्राई यहाँ पे होगी ड्राइविंग टेस्ट की और ये जो यहाँ पे ही अब इन्होंने ट्रक टर्मिनल पे रखा है, तो क्या आपको लगता है ये अच्छा यहाँ पे इन्होंने किया या भद्रवाह में अच्छा? नहीं, यहाँ पे अच्छा है क्योंकि हमें भद्रवाह, हम भलेसा गुंदोह से आते हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है, तो हमें ये लगता है कि डोडा में सेंटर प्लेस ही है। भद्रवाह में जाने में कुछ लोगों को थोड़ा उल्टा सा लगता था,
इसलिए डोडा में ठीक है। तो हम भी यही चाहते थे पहले से ही कि डोडा में हो तो अच्छा है, तो डोडा में है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। कोई आपकी कोई अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इस जगह की? हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये अपील रहेगी कि जो हमारा ये ट्राई ग्राउंड इन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इसकी थोड़ी मरम्मत हो ताकि दिक्कत ना आए ट्राई करने में, क्योंकि हम बहुत बार फीस भरते भी हैं, तो गरीब तबके से लोग आते हैं यहाँ पे ड्राइविंग के लिए। अब एक लाइसेंस मिलेगा तो वो अपना काम कर पाएगा आगे, तो उसके बिना कोई गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ग्राउंड हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट ट्राई के लिए अच्छा होना चाहिए, जैसा कि आज था ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे बाइक राइडर्स ने अपनी ट्राई दी है, और उनमें से यहाँ पे एक है जिन्होंने अपनी ट्राई निकाल करके ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को पास किया है। अब उनको कुछ दिनों के बाद ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मितुल सिंह रकवाल है। मितुल, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो ट्राई आपने दी थी आज यहाँ पे पहली बार डोडा के यहाँ पे हो रही है अकरमाबाद में, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? एक तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं बनाया लाइसेंस, फर्स्ट टाइम बनाया है, और थोड़ा टफ था कि यहाँ पे कीचड़ वगैरह भी थी, तो प्रैक्टिस की हमने, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो निकाल दिया आराम से। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग हो गए कोई एक दो घंटे हो गए इधर ही हमने प्रैक्टिस की और फिर निकाल दी। एक्चुअली लाइसेंस के बगैर थोड़ा मुश्किल होता है। आप मुझे ये बताइए कि जो आपको लाइसेंस इशू हो गया है, काफ़ी सारे लोग लाइसेंस के मिलने के बाद ये समझ बैठते हैं कि हम तो बिल्कुल पक्के ड्राइवर हैं और रैश ड्राइविंग वगैरह करते हैं, उन चीज़ों से आप क्या बचने की कोशिश करें? उनसे पहले अपने आप को खुद को बचाओ। जो रैश चला रहा है उसको देखो, वो गलत चला रहा है, आप उसको बोलो, रोक के बोलो। आप खुद हेलमेट पहनो, पूरे ऑल गियर्स पहन लो आप, अगर आगे वाले की आप क्या करेंगे? मैं उसको यही बोलूँगा, आप अपने बारे में बताइए। क्या मैं समझा? यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल चुका है, अब आप किस तरह से गाड़ी चलाओगे? आराम से चलाऊंगा, जैसे मैं पहले से सीखी है, आराम से, कोई रैश नहीं, जैसे नॉर्मल चलाते हैं। आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए? पहले आपको ऑल गियर्स पहनने चाहिए जब आप बाइक चलाओ, और गाड़ी वगैरह चलाओ तो सीट बेल्ट वगैरह पूरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो तो अच्छी लगेगी। यहाँ पे जब आप ट्राई निकाल रहे थे, दौरान ट्राई जब आप दे रहे थे, तो कहाँ पे आपको, ये तीन खंभे थे, तीन खंभों के बीच में आपको कहाँ पे थोड़ा टफ हुआ था निकालना? एक्चुअली मेरे को कहीं टफ नहीं लगा ऐसे, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, मेरे को पता था मैंने कितना निकालना है, कितना गैप रखना है। तो जिनकी फेल हो चुकी है उनको क्या था, वो सेंटर से निकाल रहे थे, उनके हल्की फुल्की गलतियाँ हो रही थी, क्योंकि एक तो प्रेशर में भी आ जाता है बंदा, नहीं निकल पाता है। तो सब लाइसेंस अब मिलेगा आपको, तो क्या आपको अब फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, अब हम आराम से चल सकते हैं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, आराम से चल सकते हैं। और तो नज़र ये थे वो जिन्होंने ट्राई निकाली है, और फाइनली इन्होंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का एक टेस्ट पास कर लिया है। अब इनसे हमने ये भी जानकारी ली कि जो अब आप आज के बाद अपनी बाइक राइड करेंगे तो जो है कानून का पालन ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि लाइसेंस मिलने के बाद रैश ड्राइविंग या बाकी चीज़ों का वो हो। हमारे साथ यहाँ पे ट्रक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, जो ट्रक टर्मिनल है इसमें आज जो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से स्लॉट्स बुक करके लोग आए हुए हैं और अपनी ट्राई यहाँ पे दे रहे हैं, तो इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है। जी इदरीस साहब, आपका हम शुक्र अदा करते हैं, आपका शुक्रिया आप यहाँ तक आए। और सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पे ऐसा काम किया, और देखो खुशी का माहौल है। हमें पहले एक लाइसेंस के लिए ट्राई देने भदरवा जाना पड़ता था, और गाड़ी के पासिंग के लिए हमें परियोत रोड पे जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमने डीसी साहब को भी पहले भी बोला था कि यहाँ पे उन्होंने ट्रक अड्डा तो हमें दे दिया, हमने कहा था कि अगर यहाँ पे एआरटीओ ऑफिस मिलता है इनको, आरटीओ ऑफिस आगे रेंट पे है 200 रोड में, तो आप देखो वहाँ पे कितना जाम होता है इस आरटीओ ऑफिस की वजह से, और ये रेंट पे वहाँ पे बैठे हैं। चलो अगर उनको आरटीओ ऑफिस यहाँ पे मिल जाता है, उनको अगर आरटीओ ऑफिस यहाँ पे मिल जाता है, चलो हमारा, चलो ट्रक टिपर वगैरह वो भी लगेंगे, और जो इनका काम है इनका काम भी होता रहेगा, हमारे कोई ट्रक टिपर रोज़ के खड़े नहीं होते हैं यहाँ पे। तो चलो आरटीओ ऑफिस वालों का बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं कि वो आरटीओ साहब भी कल आए थे यहाँ पे,
तो उसके साथ एडिशनल डीसी भी आए थे यहाँ पे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कल कि इनको ये बिल्डिंग उनके हैंडओवर की जाए ताकि वो आगे रेंट पे बैठे हैं और जो देसा रोड में जितना भी जाम होता है वो जाम ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों के काम बहुत आसान हो जाएंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट का काम भी हो जाएगा, गाड़ियों की फिटनेस होती है, लाइसेंसों की ट्राई होती है और जो सिटी में ये छोटी गाड़ियों का जाम है इसकी वजह से काफ़ी सारा ख़त्म हो जाएगा। जो भद्रवाह यहाँ से जाते थे लोग ट्राई देने के लिए, तो आपको क्या लगता है अब कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों को आसानी महसूस होगी? हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि अगर एक लड़के ने लाइसेंस की ट्राई देने जाना होता था, फिलहाल तो उसको गाड़ी को 1000 रुपये का तेल डालना था, यहाँ से भद्रवाह जाना था, पूरे दिन वहाँ दिन खिजल हो जाता था, वहाँ पर दिन भी ज़ाया होता था, यहाँ उसको 50 रुपये का तेल लगेगा और यहाँ आएगा ट्राई मार के यहाँ से चला जाएगा, तो ये तो खुशी की बात है और हम डीसी साहब का भी शुक्र अदा करते हैं और इसको जल्द से जल्द ब्लैकटॉप किया जाए और जो बाकी लोग ये बाज़ार से ये मलबा वगैरह लाते हैं अड्डे में डालते हैं उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पे आज के बाद कोई मलबा नहीं डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थोड़ा नज़र आपको बताने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पे जो ट्राई वगैरह हो रही है नीचे, अभी बाइक्स वगैरह की जो ट्राई यहाँ पे हो रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से एक बड़ा कदम लिया गया है ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को भद्रवाह जाना पड़ता था। आप देख रहे होंगे ये बाइक अभी इस वक्त ट्राई दे रहा है एक वहाँ पे बाइक पे, तो इसी तरह से अब यहाँ पे गाड़ी की भी ट्राई होगी, तो एक बड़ा स्टेप जो देखने को मिला काफ़ी अरसे के बाद। और दूसरी बात ये भी है कि एआरटीओ डोडा नए ही तैनात हुए हैं और अभी 2-3 दिन ही ज्वाइन कर रहे हुए उनको और उसके बाद ही एक पहला सबसे अच्छा कदम उन्होंने डोडा के लोगों के लिए उठाया है। देखते रहे शोम चैनल, अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।